इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ भी हमें इन्हें सम करना है रीअरेंज करके। तो आप बताइए हम कौन सा पेयर बना लें। देखो 3 और 6 ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो 3 और 6 का पेयर बना लेंगे। और 4 और 8 ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं ना, तो इनका अलग पेयर बना लेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए -8/3 एंड +-11/6 इसका हमने अलग पेयर बना लिया। फिर हम -1/4 +3/8 इसका अलग पेयर बना लिया। ये लो हमने ब्रैकेट भी लगा दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। आप चाहो तो यहाँ निकाल लीजिए एलसीएम। 3 1 3, 3 2 6, 1 एज इट इज, और 2 1 2, तो 3 2 6, 6 आया हमारा बच्चों एलसीएम। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है बच्चों? 2 टाइम्स में। 2 8 16, माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। 6 के टेबल में 6 वन टाइम में आता है, 1 × -11 -11, और +(-), आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो -11। अब प्लस 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बच्चों? 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, आपका वही है 4 1 4, 4 2 8, 1 एज इट इज, और 2 1 2, तो 4 2 8 आपका आ गया एलसीएम। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, 2 1 2, और ये माइनस का साइन। ओके बच्चों, प्लस एज इट इज 8 के टेबल में 8 वन टाइम में आता है, 1 × 3 3। ओके बच्चों, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 और 1 7, 1 और 1 2, और दोनों ही माइनस है तो साइन भी माइनस का आएगा, अपॉन 6। प्लस माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 1 3 बड़ा है, इसके प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, अपॉन 8। अब चलो बच्चों 6 और 8 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? देखो हम साइड में 6 और 8 का एलसीएम ले रहे हैं, और पहले 2 से 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से दे रहे हैं डिवाइड, 3 एज इट इज, 2 2 4, देन 2 से अगेन 3 एज इट इज, 2 1 2, फिर 3 से डिवाइड देंगे, 1 3 1 3, 1 एड एज इट इज, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 आ गया हमारा एलसीएम। 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स में आता है, 4 × 27 कितना हुआ बच्चों? 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, यानी कि 108, और माइनस का साइन है या एज इट इज लगा दीजिए। प्लस 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में, 3 × 1 3, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5, ये 0 एज इट इज, 1, और 108 पड़ा है, आगे साइन किसका है? माइनस का, तो ये माइनस का साइन, अपॉन 24। अब चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे सिंगल छोड़ भी सकते हैं। अब इसे कैंसिल करना हो तो देखो बच्चों, ये दोनों ही नंबर चेक कीजिए कि कौन से सेम टेबल में आते हैं। तो अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं तो वो क्या कहता है कि इन डिजिट का सम कीजिए, 1 + 0 + 5 कितना आएगा? 6 आएगा। देखो प्लस करो, 1 + 0 + 5 क्या आएगा? 1 + 0 तो कोई नंबर है ही नहीं, 1 + 5 6, तो यानी कि 6 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। ऐसे 24 में ऐड कीजिए इनकी डिजिट को, 2 + 4 कितना आया? 6, तो अगर 3 6 के टेबल में आता है तो 24 भी 3 के टेबल में आएगा। ओके, तो चलो कैंसिल करते हैं, 3 3 9 कितना बचा? 1 1, और 5 कितना हो गया? 15, 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स में आएगा, 3 5 15। फिर यहाँ देखिए 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में आता है, क्या ये कैंसिल होंगे? नहीं कैंसिल होंगे, दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो आपका आंसर रहेगा बच्चों -35/8। ओके बच्चों, थैंक यू।